पखांजूर स्थित जलाशय में खाद्य अधिकारी के एक फोन के लिए 4 दिन तक ऑपरेशन सर्च मोबाइल चलाया गया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि रविवार को अधिकारी अपने दोस्तों के साथ जलाशय में पार्टी मनाने गए थे। इसी दौरान उनका महंगा सेल फोन पानी में गिर गया, जिसके बाद गोताखोरों की मदद ली गई, पर जब गोताखोरों असफल रहे तब पानी निकालने के लिए पंप लगाकर इस महंगे फोन को निकाला गया, लेकिन इस दौरान लगभग 21 लाख लीटर सिंचाई का पानी बर्बाद कर दिया गया। ऐसे में क्षेत्र के सैकड़ों किसान परेशान हैं। वहीं मामले में सीएम ने संज्ञान लेते हुए फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। हाँ, ये पूरा तो भरा हुआ था सर। कैसे खाली हो गया, क्या पता अब क्या, हम किसी का साहब का मोबाइल गिर गया वहाँ पर, बिगार पूछे हम लोग को जानकारी नहीं है। वहाँ पर यहाँ कौन सा गाड़ी लगा कर डीजल पंप लगा के ना ट्रैक्टर कट गाड़ी लगा कर खींचे, उसका हमको मालूम नहीं था। लोगों को नुकसान तो होना है सर। कैसे नुकसान हुआ, साहब का मोबाइल गिरा था तो उसमें सिंचाई किया। ये तो पूरे के पूरे गलत मामला है और एक किसी अधिकारी का मोबाइल, साधारण एक मोबाइल गिर जाने की वजह से लगभग 21 लाख लीटर पानी का फालतू बहा देना एक बहुत बड़ी फालतू की बात है। सर इसमें जांच कर रहे हैं, मैंने फूड इंस्पेक्टर से भी जवाब लिया है जी। और कांकेर जिला के पखांजूर इलाके में खेर कट्टा परलकोट सिंचाई जलाशय है, उसमें फूड डिपार्टमेंट के खाद्य विभाग के एक अफसर का फोन गिर गया। उस फोन को निकालने के लिए संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को पार करते हुए 3 दिन तक 30 एचपी का पावर पंप से 24 घंटे पानी निकाला गया और इतना पानी निकाला गया जिससे 1500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह का कैलकुलेशन सामने आ रहा।